देख सकते हो कितना क्यूट सा है, हम लोग अपने कार में लेकर के चल चुके हैं। और अभी हम पहले दलसिंहसराय जाएंगे और जिनको लेना है वो दलसिंहसराय आ जाएंगे आयुष जी, और दलसिंहसराय में हम ये पप्पी उनको हैंडओवर कर देंगे और वो लेकर के घर चले जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा भाई ड्राइविंग कर रहा है कार और हम लोग ऑन द वे हैं, बहुत ही जल्द दलसिंहसराय पहुँच जाएंगे और फिर दलसिंहसराय से ये पप्पी अपना प्यारा सा फॉरएवर होम मुजफ्फरपुर जाने वाला है। देख सकते हो एकदम क्यूट, कितना ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल है ना। इसका नाम तो स्वीटी होना चाहिए, बहुत ही प्यारी है ये। तो दोस्तों हम लोग दलसिंहसराय पहुंच चुके हैं और आयुष जी पीयूष जी भी आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको नया पेट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मतलब इतने दूर से आए हैं, मुजफ्फरपुर से दलसिंहसराय आए हैं एकदम सुबह सुबह, और साथ ही साथ ये मेरे लिए तो कुछ मिठाई भी लाए हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी इनको बहुत बहुत थैंक यू। और देख सकते हो कि ये कितने केयर से लाए हैं, एकदम कंबल नया नया खरीद के, सारे इनके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब इस क्यूट सा पप्पी के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो ये पप्पी जाएगा और देख सकते हो कि आज मेरे यहाँ पे ये लास्ट डे था, तो मैंने इसे भी काफ़ी प्यार कर लिया है और मैं इस पप्पी को इनके हाथ में दे रहा हूँ आज से। इनका फादर मदर सब आप ही हैं, इसको अच्छे से केयर करना है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका वैक्सीनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दोस्तों मेरे इधर पारवो का केस हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। तो आप लोग के इधर भी पारवो का केस होगा या फिर नहीं होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पारवो का केस काफ़ी ज़्यादा है, तो वैक्सीनेशन इसको मतलब 45 दिन से 50 दिन के बीच में आप इसको करवा लीजिएगा, फिर 21 दिन पे और फिर 21 दिन पे। तो जो वैक्सीनेशन आपको करवाना है वो नोवीवैक का करवाना है, ठीक है, नोवीवैक का करवाइए, कोई दूसरा ब्रांड का मत करवाइएगा, उससे महंगा भी आता है उससे सस्ता भी, लेकिन नोवीवैक ही, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेड है, सबसे बेस्ट रिजल्ट मुझे इसी का लगा है। तो ये क्यूट सा पप्पी है। तो दोस्तों जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पप्पीज जाते हैं तो वो वोमिटिंग ज़रूर करते हैं, बट ये अभी तक मेरे घर से यहाँ तक तो वोमिटिंग नहीं किया है, लेकिन ये वोमिटिंग तो ज़रूर करेगा क्योंकि 70-80 किलोमीटर यहाँ से जाने वाला है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा वोमिटिंग करेगा तो थोड़ा सा सुस्त हो जाएगा, ठीक है, सो जाएगा उसके बाद, और घर पर जाने के बाद तुरंत इसको पानी नहीं पिलाना है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इसको ले गए तो मतलब ये हल्का सा सुस्त हो गया था, आप उसको पानी पिला दिए। कभी कभी मतलब इसके साथ तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रैवलिंग के बाद पप्पी को फीवर हो जाता है, तो ऐसा छूने में लगता है कि ये तो गर्म है, उसको नहला दिए। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। तो मैं तो इसको पप्पी फूड और सेरेलैक खिला रहा था, तो अभी मैंने सेरेलैक बंद कर दिया, तो इसका पॉटी सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। लेकिन अभी आप लोग जो जाइएगा ले करके इसको, तो सेरेलैक खिलाइएगा, ठीक है, सेरेलैक खिलाइए आज और कल, और परसों से आप इसके फूड में पप्पी फूड मिलाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं दूसरे ब्रांड का पप्पी फूड यूज़ कर रहा हूँ जो कि अभी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हमने मतलब सेरेलैक ही देना मतलब उचित समझा है, तो आप उसको दीजिए। बाकी इसका कोई भी नॉर्मल मेडिकल इशू हो, मतलब नॉर्मल कोई भी दिक्कत है, केयर टिप्स है, उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा हमेशा, बट जहाँ पर मेडिकल इशू आ गया, मतलब कि डॉग बीमार पड़ गया जिसमें डॉक्टर का हेल्प चाहिए, तो उसमें मेरे टीम में डॉक्टर हैं, छोटा सा पेमेंट लगता है, वो आपको हेल्प कर देंगे, या फिर आपके टीम में अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो आप लोग उनसे कंसल्ट करिए। लेकिन मेडिकल इशू में आप लोग अपने से कभी दवाई मत दीजिएगा या कोई मेडिसिन खुद से नहीं, मेडिकल इशू में ऑलवेज डॉक्टर, और बेसिक प्रॉब्लम्स है, थोड़ा बहुत बिहेवियर प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग है, उसमें मैं हमेशा आपको हेल्प कर दूंगा, अच्छे से हेल्प कर दूंगा। तो ये पप्पीज हैं, पप्पी ज़्यादातर सोते हैं, ठीक है, तो अभी ये सोएगा कुछ दिन और, मतलब एक मंथ तक तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सोएगा, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपको काटेगा, परेशान करेगा, अभी भी ये काटता है बट कम काटता है। तो इसको आराम से रखिए, ठंडी का टाइम है तो अभी ठंडी से बचा के सब कुछ अच्छे से रखिए, और यही मेरी कामना है भगवान से कि ये नया घर जा रहा है तो मतलब हेल्दी रहे, बस सबसे बड़ी बात ये है, हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, खेलता कूदता रहे, और ये आपके फैमिली मेम्बर जैसा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो था,
आप लोग भी अपने बारे में बता दीजिए कि कहाँ से हैं, और लोगों को भी अगर इन फ्यूचर कुछ आपसे हेल्प लेना हो या फिर कुछ ऐसा कुछ हो तो आप अपने बारे में पूरा तो बता। इतना प्यारा पपी के लिए अनुराग भैया का थैंक यू, और ये छोटा सा पपी बहुत बहुत अच्छा बने ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। और भैया से अगर आप और डॉग लेना चाहें तो इनके पास बहुत अच्छा अच्छा डॉग सब है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये इतना ही बस भैया, बस कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माइक में बोलने में कभी कभी हेजिटेशन होता है, हाँ कैमरा फेसिंग में प्रॉब्लम होता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे आप भी सीख जाइएगा। और ये पप्पी आपको कैसा लगा? ये पप्पी हमें बहुत अच्छा लगा, ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा पप्पी है, ये आराम से सो रहा है अभी, बहुत ही एक्टिव है। आज मैंने सुबह में ही मतलब एक घंटा पहले ही वीडियो बनाया है इसका जी। तो वो वीडियो भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, देखिएगा कितना मस्त है, कितना खेल कूद रहा है गार्डन में। अभी गार्डन प्रिपेयर तो नहीं हुआ है बट उसमें ये अच्छे से खेल रहा है, तो वो देख लीजिएगा। पप्पी ज़्यादातर सोते हैं इसलिए अभी ये सो रहा है, घर पर भी जाएगा तो इसको इनिशियली आप लोग कुछ मत करिएगा, एक दो घंटे के बाद ही इसको पानी पिलाइएगा या खाना पिलाइएगा, या मिनिमम एक घंटा, ठीक है जी। तो आराम से ये पप्पी रहेगा, और आप भी अपने बारे में बता दीजिए लोगों जी। थैंक यू फॉर अनुराग भैया इतने बेहतर डॉग देने के लिए, हम आई होप ये अच्छा तैयार हो, हम लोग अच्छे से इसको तैयार कर सके और अनुराग भैया के उम्मीद पर खड़े उतरे। थैंक्स। तो ये एक फीमेल पप्पी है, ठीक है, और इनके पास ऑलरेडी मुजफ्फरपुर में एक मतलब अच्छे 100 लाइन का लैब्राडोर डॉग है जो रिसेंटली पप्पी दी है, और एक ऐसा ही क्यूट सा एडल्ट फीमेल पोमरेनियन है वो भी पप्पी देने वाली है जी, और ये भी एक प्यारी सी फीमेल जा रही है, तो इनके पास भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो इस लाइन में है क्या कि आज के टाइम में मतलब घर में आप लोग रख करके एटलीस्ट ये सीख सकते हो, स्टार्टिंग फेज में आप लोग सीखिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग स्टार्टिंग में सीखना तो 10 डॉग ले आए तब सीखोगे तो काफ़ी दिक्कत है, आप लोग स्टार्टिंग करके एक एक डॉग से सीख रहे हो तो इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छे से सीख भी पाओगे जी जी, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सीखिए, अच्छा चीज़ लोगे तभी आप लोगों को अच्छा चीज़ दे सकते हो, ठीक है, मेनली यही है। तो ठीक है, आज का ये हमारा प्यारा सा वीडियो है बंद होता है, और हम लोग आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।